नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी विद JR में। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध दर्शन के पिछले सालों में सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न देखेंगे तथा इसके साथ ही बौद्ध दर्शन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध दर्शन का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। अगर आपने अभी तक बौद्ध दर्शन का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध दर्शन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले नंबर का प्रश्न है, सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध आष्टांगिक मार्ग का ऑप्शन दे रखे हैं चार। पहला है अंतिम सोपान है, दूसरा है प्रारंभिक सोपान है, तीसरा है सप्तम सोपान है, चौथा है सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीव का पूर्वगामी सोपान है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 4, सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीव का पूर्वगामी सोपान है। तो देखिए, हमने पिछला वीडियो जो पढ़ा था बौद्ध का, तो उसमें आष्टांगिक मार्ग देखे थे। तो आष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और आठवें नंबर पे था सम्यक समाधि। तो इसमें जो सम्यक कर्मांत है, तो सम्यक कर्मांत आ रहा है 4th नंबर पे। इससे पहले आ रहा है सम्यक वॉक और जस्ट इसके बाद आ रहा है सम्यक आजीव। तो ये इसलिए इन दोनों के बीच का है ये, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सम्यक वॉक का अनुगामी है और सम्यक आजीव का पूर्वगामी सोपान है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, अष्टांग मार्ग निकटता के साथ संबंधित है। तो अष्टांग मार्ग का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, बौद्ध दर्शन। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और निम्न दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में ए में दिया हुआ है जैन दर्शन, बी में दिया हुआ है बौद्ध दर्शन, सी में दिया हुआ है भगवद गीता और डी में दिया हुआ है गांधी। और इसी के सामने सूची 2 में ए में दिया हुआ है निष्काम कर्म, बी में दिया है सत्य ईश्वर है और सी में दिया हुआ है 4 आर्य सत्य और डी में दिया हुआ है त्रिरत्न। तो इसमें आपको पहचानना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप जो मिलान करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको इसमें से कौन सा आता है। जैसे कि ये जैन, बौद्ध, भगवद गीता और गांधी, इन चारों का हमें सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले हमें जिसका पता है, जैसे कि हमें पता है जैन दर्शन का, ये जैन दर्शन ने त्रिरत्न का है, तो ये हमें पता है कि जैन दर्शन के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो जैसे कि हमने ये मिलान कर लिया, पहले हमें ये देखना है अगर ऑप्शन में आपको इसमें मिल जाएगा कि ए में केवल एक ही बार डी है। जैसे कि देखिए, थर्ड नंबर है तो थर्ड नंबर का जो ए है उसमें डी एक ही बार आया हुआ है, बाकी में नहीं आया हुआ। कई बार तो रिपीट हो जाते हैं लेकिन कई बार एक ही बार आता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 सही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेम सेम आ गए, जैसे यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी, जैसे कि देखिए ये डी यहाँ आ रहा है और सपोज करिए यहाँ भी डी आ जाता है, तो फिर हम दो मिलान करके देखेंगे। अभी तो हमने एक ही मिलान करा है, जैन दर्शन देखा, हमें जैन दर्शन पता था तो जैन दर्शन का हमने देख लिया त्रिरत्न है। फिर हमने बौद्ध दर्शन देखा, बौद्ध दर्शन का भी हमें आता है, तो हम यहाँ मिलान करेंगे 4 आर्य सत्य, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य हैं। फिर भगवद गीता अगर दो का मिलान करके देख लेंगे, इससे भी आप क्वेश्चन आंसर के बिल्कुल करीब हो जाएंगे अगर आपको नहीं आता है उस स्थिति में। अगर आता है तो फिर तो ठीक ही है, तो मिलान वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आया हुआ भी है, 2013 में आया हुआ है और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा आष्टांगिक मार्ग वाला 2016 में आया सेकंड ग्रेड के। और दूसरे नंबर का जो प्रश्न किया था हमने जिसका आंसर आष्टांगिक मार्ग का बौद्ध दर्शन का, तो वो भी 2013 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ये भी आया हुआ है 2013 में ही आया हुआ है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसमें मिलान करना होता है। तो इसका राइट आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको, डी होगा। तो आप इसमें मिलान देख लेते हैं कि जैन दर्शन का हो गया त्रिरत्न, बौद्ध दर्शन का 4 आर्य सत्य, भगवद गीता का है निष्काम कर्म और गांधी का है सत्य ईश्वर। भगवद गीता और गांधी अभी हमें पढ़ना बाकी है, बाकी जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन हम पढ़ चुके हैं, इसके वीडियो बन चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं फिलॉसफी की। तो भगवद गीता और गांधी पे भी जल्दी वीडियो बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है। ऑप्शन 1 है दुख है, सेकंड नंबर पे है दुख शाश्वत है, तीसरे नंबर पे है दुख का निरोध संभव है और 4th नंबर पे है दुख का
कारण है। तो चार आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है। देखिए नहीं के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो नहीं पूछ रहा है ये आया हुआ है 2013 में। तो हमें देखना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चार आर्य सत्य कौन से हैं। तो बौद्ध दर्शन की वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है दुख है, दूसरे नंबर पे है दुख का कारण है, तीसरे नंबर पे है दुख का अंत है, और चौथे नंबर पे है दुख के अंत का उपाय है। तो दुख है बात हो रही है, दुख का निरोध संभव है ये भी बात हो रही है, दुख का कारण है ये भी बात हो रही है, लेकिन दुख शाश्वत है ऐसा तो बौद्ध के आर्य सत्य में है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चार आर्य सत्यों के अनुसार ऐसा नहीं है कि दुख शाश्वत है, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीत समुत्पाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है। तो हमने प्रतीत समुत्पाद पढ़ा था, किस में पढ़ा था, बौद्ध दर्शन में पढ़ा था। तो प्रतीत समुत्पाद जो है किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है, तो वो है बौद्ध दर्शन का। प्रतीत समुत्पाद एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या था, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। और प्रतीत समुत्पाद के बारे में एक बार याद दिला देती हूँ, वैसे तो वीडियो में बना रखा है डिटेल, आप वही फिलोसफी की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको बौद्ध दर्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी देख लेते हैं छोटा सा इसका अर्थ क्या है प्रतीत समुत्पाद का। तो जो प्रतीत समुत्पाद है वो दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें प्रतीत्य का क्या अर्थ है, प्रतीत्य का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ हो गया कि एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना, अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति होना, ये क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद है। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध, बौद्ध से संबंधित है प्रतीत्य समुत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी सिद्धांत है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, और इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन है सर्वात्मवाद, दूसरा है अनात्मवाद, तीसरा है देहात्मवाद, और चौथा है शुद्ध चैतन्यवाद। तो बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का, अनात्मवाद। तो देखिए जो बौद्ध दर्शन का वीडियो बनाया था मैंने पहले, उसमें ये अनात्मवाद मैंने शामिल नहीं किया था। तो एक मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसके बारे में, कि जो बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी सिद्धांत है जो वो अनात्मवाद है, अनात्मवाद में है, और बुद्ध जो है आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा था, बौद्ध हैं जो, वो क्या करते हैं कि आत्मा की जो सत्ता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, आत्मा की सत्ता का खंडन करते हैं। और बुद्ध के अनुसार विश्व में न तो कोई आत्मा है और न आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु है। बुद्ध नहीं मानते हैं, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि आत्मा अनित्य है, यह अस्थाई शरीर और मन का संकलन मात्र है। ये क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो अनित्य है और यह अस्थाई शरीर और मन का संकलन मात्र है। बुद्ध ने आत्मा को विचारों का प्रवाह कहा है। तो बुद्ध का जो अनात्मवाद का सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया, आत्मा के बारे में बताया गया, आत्मा संबंधी सिद्धांत है ये। इसमें केवल इतना ही याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से ही इसमें बनता है, और 2010 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य माने गए हैं। तो हमने पढ़ चुके हैं हम, कितने आर्य सत्य माने गए, चार आर्य सत्य माने गए हैं। कौन कौन से हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, दुख के अंत का उपाय है। तो ये चार हमने आर्य सत्य पढ़े थे। तो बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य माने गए हैं, चार आर्य सत्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रथम आर्य सत्य का संबंध है। तो सबसे पहला जो आर्य सत्य है वो है इनका दुख है। तो सबसे पहला था दुख है, दूसरा था दुख का कारण है, और तीसरा है दुख का अंत है, और चौथे नंबर पे है दुख के अंत का उपाय है। तो प्रथम आर्य सत्य क्या है, दुख है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर पे, दुख है। नेक्स्ट है, द्वितीय आर्य सत्य का विवेच्य व विषय है। तो द्वितीय जो था, द्वितीय आर्य सत्य उसका वो है दुख का कारण है। द्वितीय आर्य सत्य क्या है, दुख का कारण है। इसका ऑप्शन होगा राइट 3, दुख का कारण
कारण है। थर्ड नंबर पे नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बौद्ध धर्म में तृतीय आर्य सत्य बताया गया है। तीसरा क्या है, पहला तो दुख है, दूसरे नंबर पे बताया था दुख का कारण है, और तीसरे नंबर पे बताया था दुख का अंत है, या फिर हम ये बोल सकते हैं दुख निरोध, दुख का अंत है या दुख निरोध, तो उसका राइट ऑप्शन दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट है अंतिम आर्य सत्य को बौद्ध धर्म में, अंतिम आर्य सत्य को बौद्ध धर्म में गया, ये गलत मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे, अंतिम आर्य सत्य को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया है दुख निरोध मार्ग, चौथे इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर पे दुख निरोध मार्ग। चौथा आर्य सत्य जो अंतिम या चौथा बोल सकते हैं वो है दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख के अंत का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीति समुत्पाद का संबंध है, तो जो प्रतीति समुत्पाद इन्होंने बताया है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है द्वितीय आर्य सत्य से, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, द्वितीय आर्य सत्य से है प्रतीति समुत्पाद का संबंध। इसमें द्वितीय आर्य सत्य में क्या बताया था इन्होंने कि दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण है, अर्थात यानी दुख की उत्पत्ति होती है। बुद्ध ने दुख के कारण का विश्लेषण दूसरे आर्य सत्य में एक सिद्धांत यानी कि प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत के सहारे किया था इन्होंने। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध दुख का मुख्य कारण मानते हैं, तो महात्मा बुद्ध दुख का मुख्य कारण किसे मानते हैं, पहला ऑप्शन है विश्व, दूसरा है मन, तीसरा है आत्मा, और चौथा है अविद्या, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर पे अविद्या को, जो महात्मा बुद्ध हैं वो दुख का मुख्य कारण किसे मानते हैं, अविद्या को मानते हैं। नेक्स्ट द्वितीय आर्य सत्य में दुख के कारण के रूप में 12 कड़ियों की विवेचना है तथा इसे कारण कार्य सिद्धांत कहा गया है, इसे बौद्ध धर्म में कहते हैं, तो इसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, ऑप्शन एक है असत्कार्यवाद, दूसरा है सत्कार्यवाद, तीसरा है परिणामवाद, और चौथा है प्रतीत्य समुत्पादवाद, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद इसका राइट आंसर होगा। जो द्वितीय आर्य सत्य में बुद्ध ने बताए हैं ये 12 कड़ियों की विवेचना की है जिसे हम द्वादश निदान बोलते हैं, तो वो द्वादश निदान हमने पढ़े थे बौद्ध दर्शन के वीडियो में, कौन कौन से थे, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण, तो ये सब द्वादश निदान बताए थे, और इसमें द्वादश निदान ये दुख के कारण के रूप में विवेचना भी की थी इन्होंने, और कारण कार्य सिद्धांत कहा गया इसे बौद्ध धर्म में कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग को किस दर्शन द्वारा अपनाया गया है, तो अष्टांग मार्ग बताया था किस दर्शन द्वारा, इसका राइट आंसर होगा बौद्ध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में, हमने अष्टांग मार्ग पढ़े थे कौन कौन से थे, इसमें देखिए सम्यक दृष्टि भी शामिल है, सम्यक कर्मांत भी शामिल है, और सम्यक संकल्प भी शामिल है, लेकिन सम्यक दान ये अष्टांग मार्ग में, बौद्ध के अष्टांग मार्ग में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है नहीं है, कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, सम्यक दान, इसका राइट आंसर होगा सम्यक दान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के सभी उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है, तो हमने पढ़ा था वीडियो में बुद्ध के जो सभी उपदेश हैं उनमें उनका जो संकलन है सभी उपदेशों का वो किया गया है, इसका राइट ऑप्शन होगा त्रिपिटक में, त्रिपिटक में किया गया है, और त्रिपिटक क्या क्या है, तीन है सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध के त्रिपिटक में नहीं है, कौन नहीं है, बौद्ध के जो त्रिपिटक है उसमें है सुत्पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक भी है, लेकिन निबाण पिटक नहीं है, ये पूछ रहा है बौद्ध धर्म के बौद्ध के त्रिपिटक में नहीं है, तो कौन नहीं है, इसका राइट आंसर होगा निबाण पिटक, ये नहीं है। नेक्स्ट है बौद्धों की गीता है, बौद्धों की गीता क्या कौन सी किस में है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है सुत्पिटक, दूसरा है धम्मपिटक, तीसरा है अभिधम्मपिटक, और फोर्थ नंबर पे है विनयपिटक, तो इसका राइट आंसर होगा धम्मपिटक। तो बुद्ध के जो सभी उपदेशों का संकलन किस में किया गया है, त्रिपिटक में किया गया है, कौन कौन से त्रिपिटक हैं, सुत्पिटक, विनयपिटक और अभिधम्मपिटक, तो जो सबसे पहले नंबर का इसमें सुत्पिटक है, तो सुत्पिटक में क्या है, धर्म संबंधी बातें हैं, और बौद्धों की गीता धम्मपद है ना, वो सुत्पिटक का ही एक
अंग है। जो बौद्धों की गीता धम्मपद है वो किसका अंग है? सुत्पिटक का ही एक अंग है। तो इसका सबसे नजदीक आंसर देखेंगे कि बौद्धों की गीता है किसमें है? धम्मपद में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धम्मपद। नेक्स्ट, बुद्ध के दार्शनिक विचार संकलित हैं। तो बुद्ध के दार्शनिक विचार किसमें संकलित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन एक है विनय पिटक, दो है सुत पिटक में, तीसरा है अभिधम्म पिटक में और फोर्थ नंबर पे है धम्मपद में। तो इसका राइट आंसर होगा अभिधम्म पिटक, तीसरे नंबर पे अभिधम्म पिटक। बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं वो संकलित हैं अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के नीति शास्त्र संबंधी विचारों का विवेचन हुआ है। तो किसमें हुआ है? ऑप्शन एक है धम्मपद, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है सुत पिटक और फोर्थ नंबर पे है अभिधम्म पिटक। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध के नीति शास्त्र संबंधी विचारों का जो विवेचन हुआ है वो हुआ है विनय पिटक में। इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्वादश चक्र निदान में नहीं है? मतलब बाकी के तीन तो हैं लेकिन उस इनमें से एक नहीं है जो उसमें द्वादश निदान चक्र में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले नंबर पे ऑप्शन है अविद्या, दूसरा है संस्कार, तीसरा है विज्ञान और चौथा है समाधि। तो द्वादश निदान में शामिल नहीं है, अविद्या है, संस्कार भी है, विज्ञान भी है लेकिन समाधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, समाधि। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा कहे गए संघ के व्यवहार और अनुशासन संबंधी नियम निम्नलिखित में से किस एक में संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक, फोर्थ नंबर पे विनय पिटक में है। नेक्स्ट है, बौद्ध के त्रिशिक्षा सिद्धांत में समाहित है। तो बौद्ध के जो त्रिशिक्षा सिद्धांत है उसमें क्या क्या समाहित है? राइट ऑप्शन है फर्स्ट, प्रज्ञाशील समाधि। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांगिक मार्ग का सही क्रम दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको क्रम से भी इसको याद रखना है ऑप्शन को, और इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक, ये ठीक होगा। इनको क्रम से देखेंगे, बौद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं तो उनका यही क्रम होता है, पहले नंबर पे आता है सम्यक दृष्टि, दूसरे नंबर पे आता है सम्यक संकल्प और तीसरे नंबर पे आता है सम्यक वाक, फोर्थ नंबर पे आता है सम्यक कर्मान और फिफ्थ नंबर पे आता है सम्यक आजीव और सिक्स नंबर पे आता है सम्यक व्यायाम, सेवन नंबर पे आता है सम्यक स्मृति और एट नंबर पे आता है सम्यक समाधि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीति समुत्पाद के अनुसार जरा मरण का कारण है। तो प्रतीति समुत्पाद के अनुसार जरा मरण का क्या कारण है? जरा मरण का कारण है, पहला ऑप्शन है वेदना, दूसरा है उपादान, तीसरा है जाति, फोर्थ नंबर पे है भव। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, जाति। प्रतीति समुत्पाद के अनुसार जो जरा मरण है उसका कारण क्या है? जाति है। नेक्स्ट है, जाति का अर्थ है। तो हमने पढ़ा था वीडियो में जाति का क्या अर्थ है, जन्म ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का कारण है। तो जाति का कारण इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला है स्पर्श, दूसरा है तृष्णा, तीसरा है भव, चौथा है वेदना। तो जाति का कारण है, राइट आंसर होगा भव। आपने बौद्ध दर्शन की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जरा मरण का कारण, जाति का कारण, भव का कारण, ये सारी मैंने श्रृंखला एक बताई थी आपको, और अभी मैं दोबारा बता दूंगी एक बार। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है, भव का कारण है। तो भव का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा उपादान, भव का कारण है उपादान। उपादान का कारण है, इसमें दोबारा क्वेश्चन बन रहा है उपादान का कारण है, तो उपादान का कारण है तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदना का कारण है, वेदना का क्या कारण है? वेदना का कारण है स्पर्श। नेक्स्ट है, तृष्णा का कारण है, तृष्णा का कारण क्या है? वेदना। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, अभी तक तो वैसे नहीं बने हैं पर बन भी सकते हैं, तो हमें एक बार पता होना चाहिए कि किसका कारण क्या है। और नेक्स्ट है, स्पर्श का कारण है, स्पर्श का कारण क्या है? वेदना है, सॉरी, स्पर्श का कारण है षडायतन, ये तृष्णा का कारण है वेदना।
जो तृष्णा है इसका कारण है वेदना, और स्पर्श का कारण है षडायतन। तो जैसा कि बौद्ध धर्म के पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्रतीति समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक विषय का कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई भी घटना बिना कारण नहीं हो सकती, ये हम पढ़ चुके हैं। दुख एक घटना है, अतः दुख का भी कारण है। बौद्ध धर्म में दुख को जरा मरण कहा गया है। बौद्ध धर्म में दुख को क्या कहा गया है? जरा मरण कहा गया है। और जरा मरण का कारण है जाति। एक श्रृंखला पढ़ी थी हमने, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जरा मरण का कारण है जाति। जरा मरण का कारण क्या है? जाति है। और जाति का कारण क्या है? जाति का कारण भव है। भव का कारण हमने पढ़ा था उपादान, और उपादान का कारण हमने पढ़ा था तृष्णा है। तृष्णा का कारण वेदना है। वेदना का कारण स्पर्श है। स्पर्श का कारण षडायतन है। और षडायतन का कारण नाम रूप है। और नाम रूप का कारण विज्ञान है। और विज्ञान का कारण संस्कार है। और संस्कार का कारण अविद्या है। तो ये पूरा कार्य कारण चक्र देखा था हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीति समुत्पाद का दूसरा नाम है। तो प्रतीति समुत्पाद का दूसरा नाम है, इसमें हमने नाम भी पढ़े थे प्रतीति समुत्पाद के, तो दूसरा नाम है धर्म चक्र। इसका राइट आंसर होगा धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख निरोध अवस्था को बुद्ध ने कहा है। तो दुख निरोध अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? इसका राइट आंसर होगा दूसरा, निर्वाण। दुख निरोध अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्राकृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है पाली, फोर्थ है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, पाली। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। तो देखिए, हमने जो बौद्ध धर्म का वीडियो देखा था पिछला, तो उसमें मैं संप्रदाय भी नहीं बता पाई थी उस वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मैंने सोचा जब क्वेश्चन लूँगी मैं इसके, तो एक बार आपको बता दूंगी। तो बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, कौन कौन से हैं? वो हैं हीनयान और दूसरा है महायान। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो हीनयान है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। पहला हम पढ़ते हैं हीनयान। हीनयान क्या है? बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है। और इसमें क्या है, इस धर्म का आधार जो है वो है पाली साहित्य है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं संग्रहित हैं। और यह जो हीनयान है, प्राचीन बौद्ध दर्शन की परंपरा को मानता है। हीनयान क्या करता है? प्राचीन बौद्ध दर्शन की परंपरा को मानता है। इस कारण से इसे मौलिक तथा प्रारंभिक बौद्ध दर्शन कहते हैं। हीनयान को क्या कहते हैं? इस कारण मौलिक और प्रारंभिक बौद्ध दर्शन, मौलिक और प्रारंभिक बौद्ध दर्शन कहते हैं। यह धर्म भी, ये जो धर्म है, हीनयान धर्म है जो, तो हीनयान धर्म जो है वो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार ऐसे आदि देशों में फैला हुआ है। और हीनयान में सभी वस्तुओं को क्षणभंगुर माना जाता है। जो ये दो संप्रदाय हैं, हीनयान महायान, तो हीनयान जो संप्रदाय है वो क्या कहता है कि सभी वस्तुएं क्षणभंगुर है। हीनयान में आत्मा की सत्ता को नहीं माना गया है। जो हीनयान है वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इन्होंने आत्मा की सत्ता को नहीं माना है। हीनयान में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है। आत्मा की सत्ता को नहीं माना गया है, और एक ईश्वर की सत्ता को भी नहीं माना है। किसमें? हीनयान में। हीनयान के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। तो हीनयान क्या कह रहे हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। और इसके अलावा हीनयान में स्वावलंबन पर बल दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। और निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को बुद्ध के जो चार आर्य सत्य बताए हैं बुद्ध ने, उनका मनन और चिंतन करना चाहिए। हीनयान क्या कहता है कि जो किस पे बल देता है? पहला तो ये देता है, स्वावलंबन पर बल देता है। और क्या कहता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। मतलब जो प्रत्येक मनुष्य है वो अपने प्रयत्न द्वारा ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य के जो बुद्ध ने चार आर्य सत्य बताए थे, चार आर्य सत्य का क्या करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को? मनन और चिंतन करना
करना चाहिए। कौन कह रहा है ये? हीनयान के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं हीनयान। हीनयान में सामाजिक जीवन का खंडन किया गया है और भिक्षु जीवन का समर्थन किया गया है। जो हीनयान है वो क्या कर रहे हैं, सामाजिक जीवन का तो खंडन करते हैं, और सामाजिक जीवन का तो खंडन कर रहे हैं, और जो भिक्षु जीवन होता है उनका ये समर्थन कर रहे हैं, भिक्षु जीवन का समर्थन कर रहे हैं। हीनयान में बुद्ध को महात्मा के रूप में स्वीकार किया गया है, ईश्वर नहीं माना गया है। जो हीनयान है उसमें क्या है कि बुद्ध को महात्मा के रूप में स्वीकार किया गया है, ईश्वर नहीं माना गया है। और हीनयान में स्वावलंबन और संन्यास के आदर्श को माना जाता है, और ये आदर्श इतने कठिन और कठोर होते हैं जिसके कारण इनका पालन सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए महायान के समर्थकों ने हीनयान को छोटी गाड़ी कहा है। जो महायान के समर्थक हैं उन्होंने क्या कहा है हीनयान को? छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी कहा गया है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि छोटी गाड़ी किसके संदर्भ में कहा गया है, तो वो कहा गया है हीनयान के संदर्भ में। और इसका कारण ये है कि हीनयान के द्वारा कम ही व्यक्ति जीवन के लक्ष्य स्थान तक जा सकते हैं, इस कारण से इसे क्या कहा गया है, छोटी गाड़ी। अब बात करते हैं बुद्ध के दूसरे संप्रदाय की, महायान की। तो महायान क्या है? हीनयान की कठोरता और घोर संन्यास के कारण ही महायान का उदय हुआ। महायान के उदय का क्या कारण था? कि जो हीनयान है उसकी कठोरता और घोर संन्यास के कारण इस किसका उदय हुआ? महायान का उदय हुआ। नेक्स्ट, महायान का शाब्दिक अर्थ। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी किसे कह रहे हैं? छोटी गाड़ी कह रहे हैं हीनयान को, और बड़ी गाड़ी कहा जा रहा है महायान को, अथवा प्रशस्त मार्ग। इसको क्या कह सकते हैं? बड़ी गाड़ी या फिर प्रशस्त मार्ग माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा निर्देशित मार्ग पर चल करके अनेक लोग एक साथ मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस संप्रदाय को सहजयान भी कहा जाता है। ये महायान को क्या, दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं इसका? सहज यान। इसका दूसरा नाम है सहज यान, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसके सिद्धांतों को अपना सकता है, तो इसलिए इस संप्रदाय को सहज यान भी कहा जाता है। और महायान धर्म जो है वो कोरिया, जापान, चीन आदि देशों में प्रचलित है। इसके अलावा महायान धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है बोधिसत्व की कल्पना। जो महायान है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? बोधिसत्व। अब ये बोधिसत्व क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो ही महायान की जो सबसे प्रमुख विशेषता वो क्या है? बोधिसत्व की कल्पना। और बोधिसत्व जो है प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। इनमें इन्होंने क्या माना है कि जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। अब देख लेते हैं बोधिसत्व किसे कह रहे हैं। तो महायानी जो है संसार के समस्त जीवों के समग्र दुखों का नाश करके उन्हें निर्वाण प्रदान करवाना अपना लक्ष्य मानते हैं। जो महायानी हैं वो क्या मानते हैं कि जो संसार के समस्त जीव हैं, संसार में जितने भी जीव हैं उनके समग्र दुख, जितने भी उनके दुख हैं उनका नाश हो जाए और उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाए, तो ये उनका लक्ष्य है। और उनका ये जो प्रण है, जब तक एक एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता तब तक वे स्वयं निर्वाण के सुख को नहीं भोगेंगे। ये उनका प्रण भी है किनका? महायानियों का। महायानियों का ये प्रण है कि जब तक एक एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता तब तक वे स्वयं निर्वाण के सुख को नहीं भोगेंगे। महायानियों का यह आदर्श ही बोधिसत्व कहलाता है। जो इनका ये आदर्श है कि सबको निर्वाण प्राप्त हो, और ये जो जब तक सबको निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो क्या करेंगे? खुद भी निर्वाण का सुख नहीं भोगेंगे। तो ये जो उनका आदर्श है ये क्या कहलाता है? ये बोधिसत्व कहलाता है। इसके अलावा महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए जो हीनयान है उसमें ईश्वर का खंडन करते हैं, लेकिन जो महायान है वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके अलावा महायान में संन्यास अथवा संसार से पलायन की घोर निंदा की गई है। ये नहीं मानते कि संन्यास लेना चाहिए, संसार से पलायन करना चाहिए। ये महायान जो है वो इसका घोर निंदा भी करता है। तो ये जो छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय हैं हीनयान और महायान, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध की चार आर्य सत्यों का सही क्रम है। तो
मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बुध के चार आर्य सत्य का क्रम, इनको क्रम से भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाए। तो सबसे पहले नंबर पे जो आर्य सत्य है वो है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि पहले नंबर पे क्या आर्य सत्य है? दुख है। दूसरे नंबर पे क्या आर्य सत्य है? दुख का कारण है। तीसरे नंबर पे क्या है? दुख का अंत है। और चौथे नंबर पे क्या है? दुख के अंत का उपाय है। तो ये इस भाषा में भी आ सकता है कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इससे भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वादश निदान का सिद्धांत संबंधित है। तो द्वादश जो निदान का सिद्धांत है वो अतीत, वर्तमान और भविष्य के जीवन से संबंधित है। जो हमने द्वादश निदान पढ़े थे, यानी कि द्वादश निदान जो 12 निदान थे उन्हें क्या कहा गया था? द्वादश निदान। और द्वादश निदान कौन कौन से थे? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। ये 5, 12 थे टोटल। और इसमें से जो आगे के दो हैं, अविद्या और संस्कार, ये तो किससे संबंधित है? भूत यानी कि अतीत जीवन से संबंधित है। और जो तीसरे से लेके 10वें तक के, यानी कि विज्ञान से लेके भव तक के जो निदान है वो वर्तमान जीवन से संबंधित है। और जो लास्ट के दो थे, जाति और जरा मरण, वो भविष्य जीवन से संबंधित है। तो जो द्वादश निदान है, वो द्वादश निदान का जो सिद्धांत है वो अतीत से भी, वर्तमान से भी और भविष्य के जीवन से, इन तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किस आर्य सत्य के अंतर्गत आता है? तो जो अष्टांगिक मार्ग है ये हम पढ़ चुके हैं। अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस आर्य सत्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा निरोध, दुख निरोध के लिए बताए गए 8 माध्यम, 8 माध्यम पदों को कहते हैं। तो बुद्ध द्वारा जो दुख निरोध के लिए बताए गए 8 माध्यम पद हैं उनको क्या कह रहे हैं? अष्टांगिक मार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर पे। अष्टांगिक बंधन नहीं कह रहे हैं, अष्टांगिक मुक्ति नहीं कह रहे हैं और अष्टांगिक जीवन भी नहीं कह रहे हैं। बुद्ध द्वारा जो दुख निरोध के लिए बताए गए 8 माध्यम पद हैं उनको क्या कह रहे हैं? अष्टांगिक मार्ग। इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के अनुसार शील में शामिल नहीं है। तो बौद्ध के अनुसार शील में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि है वो शील में शामिल नहीं है, बल्कि किस में शामिल है? प्रज्ञा में शामिल है। बाकी सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव शील में शामिल है, जबकि जो सम्यक दृष्टि है वो प्रज्ञा में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतीत समुत्पाद के तत्व हैं। तो प्रतीत समुत्पाद के कितने तत्व हैं? 12 तत्व हैं, द्वादश निदान में बताए हैं। तो प्रतीत समुत्पाद के तत्व कितने हैं? टोटल 12। नेक्स्ट है, निर्वाण का उल्लेख किस आर्य सत्य में है? तो निर्वाण का उल्लेख जो है वो है तृतीय आर्य सत्य में, निर्वाण का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में छोटी गाड़ी किसका शाब्दिक अर्थ है? तो अभी हमने पढ़ा था हीनयान और महायान। तो जो बौद्ध धर्म में है, छोटी गाड़ी किसको कहा गया था? हीनयान को। और बड़ी गाड़ी किसको कहा गया था? महायान को। तो छोटी गाड़ी जो किसका शाब्दिक अर्थ है वो है हीनयान का। इसका राइट आंसर होगा ब, हीनयान। तो इस वीडियो के साथ ही फिलोसफी की यूनिट वन भी कंप्लीट हो गई है, और यूनिट 1 का जो चैप्टर 5 है वो भी कंप्लीट हो गया है, और यूनिट 1 भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।